अस्सलाम वालेकुम सर्वोदय यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पर आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की सप्लीज कितनी है, होल फेल, टोटल फेल है, क्या हमें सारे पेपर्स देने चाहिए। मुकम्मल तफसील है इस वीडियो में। सर्वोदय यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग अगर नोट्स वगैरह लेना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता करके नोट्स भी ले सकते हैं। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप जब रिजल्ट अपना चेक कर रहे हो ना, डिटेल मार्कशीट आपकी जल्दी अपडेट हो जाएगी तो वो आप लोग फिर देख लीजिएगा। लेकिन अभी आप रिजल्ट चेक करते हो तो आपके ना रिजल्ट नीचे लिखा हुआ है फेल या पास, यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं। तो ये जो स्टूडेंट लिखे हुए हैं ना, फेल एलिजिबल टू री अपियर इन पेपर, आगे लिखा होता है इंग्लिश, इस्लामिया, पाक स्टडी या एजुकेशन। अब स्टूडेंट कहते हैं कि हमें ये ही देने हैं या इसके साथ साथ पूरे पार्ट के देने हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यही पेपर्स देने हैं जो नीचे लिखा होता है कि आपने किस में अपीयर होना है, ठीक है। अगर आप लोग होल फेल होते हो यानी कि सारे फेल हुए आपके, तो यहाँ पे होल फेल लिखा होगा। यहाँ पे जो भी सप्ली के लिखे हुए हैं ना, ये इस्लामियत के साथ ETH लिखा होगा, तो ये एथिक्स होता है यानी कि नॉन मुस्लिम के लिए ये इस्लामियत कंपल्सरी है। अगर यहाँ पे इस्लामिया 2 लिखा हो या 1 लिखा हो तो वो इस्लामिया तक तैयारी होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के जो सब्जेक्ट है जो पेपर फेल हुए हैं वो यहाँ पे लिखे होते हैं। अगर आप अब मोस्टली स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इस्लामिया फेल है या पाक स्टडी फेल है तो क्या हमें पूरा पार्ट देना पड़ेगा, आप लोगों ने सिर्फ यही पेपर्स देने जो नीचे मैंशन होते हैं, ठीक है। बस इसके अलावा आप बाकी चीजें छोड़ दो, सिर्फ आपने वही सप्लीज देनी है जो आपकी नीचे मैंशन होती हैं। अगर आप टोटल फेल हो गए तो आपका होल फेल लिखा हुआ होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बात की समझ आ गई है। सर्वोदय यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट्स लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और नोट्स परचेज करें, इंशाल्लाह सप्ली आपकी क्लियर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।